जो भी हो जैसे भी हो, मासूम ने फरमाया जब चांद नजर आ जाए उसकी पहली तारीखों में एक नमाज पढ़ो। ये ऐसी नमाज है कि एक वाकया हुआ था यहाँ हमारे पंजाब में, दीना के करीब, खारियाँ के करीब एक पैसेंजर बस ऑयल टैंकर से टकरा गई थी। जितने पैसेंजर थे सब जल के राख हो गए, जिंदा जल गए, अल्लाह माफ करे, इतना भयानक हादसा हुआ। उस जलती हुई बस में से एक आदमी जिंदा उतर कर आया, उसके कपड़े पर आग की चिंगारी तक नहीं थी। उस वक्त के ये अभी 15-20 साल पुराना वाकया, प्रेस वालों ने उसे घेर लिया, तुम जिंदा सब जल गए। उसने कहा मैं शिया हूँ, मेरे मौला अली ने मुझे एक अमल दिया है, वो अमल पढ़कर बैठा था। मेहरबानी, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कल इंशाल्लाह से। वो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चांद की अव्वल तारीखें हैं, औरत मर्द सब पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपको, आपके सारे घर वालों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दो रकत नमाज़ें अव्वल माह पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इलल्लाह। पहली रकत में सूरह हम्द एक मरतबा है और सूरह तौहीद 30 मरतबा है। पहली रकत में 30 मरतबा, 30 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद 30 मरतबा। दूसरी रकत में सूरह हम्द एक मरतबा है और सूरह कद्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र 30 मरतबा, 30। उसके बाद नमाज को तमाम करें, तशो सलाम पढ़ें। अहम बात यह है तस्बीह पढ़कर जिस जगह आप हैं वहाँ से नशीस को तब्दील ना करें, तशहुद में जहाँ बैठें वहीं पर बैठें, उसी जगह अपना और अपने अहलो आयाल का सदका निकालें। ये ख़ास जगह है, जो आपकी तौफीक है, जो आपकी तौफीक है वहीं सदका निकालें, नियत करें। कमाल है उस शख्स का जो अपने से पहले अपने इमाम वक्त का सदका निकाल देगा। सदका निकालें, तस्बीह पढ़े। मासूम फरमाते हैं मौज़ज़ी ने पंजाब, जिसने चांद की पहली तारीखों में ये नमाज पढ़ ली है, रास्ते में उसके हजार दुश्मन खड़े हैं, अली कहते हैं मैं खुद इसकी हिफाजत करने वाला हूं।